बड़ी खबर, दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से आशिक मजनू पड़ रही है गांड, सैटिंग से न मिल पानी वजह से पड़ रहे हैं दिल के दौड़े। आइए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ गांड। चलिए ऐसे ये प्रीमियर मिलवाते हैं आपको, तो अपनी सैटिंग से मिलने गए। ये आपका हाथ कैसे टूटा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? ये इसकी बहन का कोरोना मालूम, जब से आया है कभी हाथ टूट रहा है कभी गांठ टूट रही है। बेरोजगारी का भी ये हाल है रिपोर्टर साहब, तंबाकू तक मांग के खानी पड़ रही है, और ऊपर से ये दुकान वाले 5 का कमला पसंद 25 का ले रहे हैं। अबे साले ये बताइए हाथ कैसे टूटा? तंबाकू बताया जो पूछ रहे हैं वो नहीं बोल रहा है। इस हाथ की बहुत ही दुख भरी कहानी है, अबे तो बताता क्यों ना है? तो सुनो ये बात है कल की। मैं गया था मिलने अपनी सेटिंग से फलाना गार्डन में, सेटिंग तो ना आई रिपोर्टर साहब, पर पुलिस वाले ढूंढा गए। फिर जो उन्होंने आकर धोना शुरू किया मुझे, ऐसी ऐसी जगह पर मारा जहां नहीं मारना चाहिए। गांड पर 40-50 डंडे पड़े हैं तो कम है। बहुत ही दुख भरी कहानी है आपकी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के सभी प्रेमियों के लिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा अपनी सेटिंगों की गलियों चक्कर ना लगाएं, नहीं तो ये देख रहे समझ जाओ। हेलो, हाँ बाबू, उम्र सारी कहाँ फला लगा गया? नहीं बाहर नहीं आऊंगा। अरे कल गया तो था, तेरी बहन की तो आई ना पुलिस ने और आकर हाथ पैर तोड़ दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा किसी भी गार्ड में। ओह नो। हाँ ठीक है, तेरे घर के सामने बाग में आ जाऊंगा। कितने बजे? क्या 5 बजे? ठीक है आ जाओ। देखा आपने, ये आशिक मजनू कभी नहीं सुधरने वाले, चाहे पुलिस इनकी गांड फाड़कर सर्कस का तंबू ही क्यों ना बना। वाकई इस प्रेमी की कहानी बड़ी ही चौंकाने वाली थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिल दहला देने वाली घटना के साथ। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और अपनी सेटिंगों से कम 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।